आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है केमिस्ट्री की बुक 1 का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो पहला टॉपिक है इसको, ये जो पहला लेक्चर है और हमारे 5th चैप्टर का, इसमें हमने इसका नाम इंट्रोडक्शन रखा है, जिसमें हम आज जनरली एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे बड़ी ब्रीफली कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो सी है वो कितनी है आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो सबसे पहली चीज़ इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो से हैं वो आपके डिस्कस होने हैं, और अगर उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होगी तो फिर आपको अगले आने वाले तमाम चैप्टर्स में और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना आपके लिए। तो इस चैप्टर को अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो हैं वो एटम से रिलेटेड होंगी, कि एटम किससे मिलके बना होता है, उस कंस्टिट्यूएंट्स फिर आ जाता है उसका स्ट्रक्चर कि वो किस तरह का है मौजूद, और फिर उसके बाद आ जाएंगी इस चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमने इन तीन चीज़ों ही को कवर करना है, तमाम का तमाम जो चैप्टर है वो इन्हीं चीज़ों के कौन सा है इर्द गिर्द घूमेगा कि एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एटम किन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो ये चैप्टर जो हम शुरू करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, कि किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चीज़ देखते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उनसे हैं वो क्या हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आप स्टार्ट करेंगे इसका इस चैप्टर में वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। नंबर 1 इज इसके एटॉमिक पार्टिकल, एटम किन से मिलके बना है, हमें पता है कि एटम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स, दे कैन बी 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सारी पुरानी बात है लेकिन इस चैप्टर में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए, किसने किए, किस तरीके से किए, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रोटॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए, किस साइंटिस्ट ने किए, उनकी प्रॉपर्टीज़, और सिमिलरली न्यूट्रॉन्स किस किस बंदे ने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो सा है उनको हम तक पहुंचाया। तो ये शुरू चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है इनकी ई ओवर एम वैल्यू। ये बेसिकली होती है चार्ज, E is for charge and M is for mass. Charge to mass ratio हम इसकी find करेंगे और वो एक तरीके से find करेंगे जिसका नाम है Millikan's oil drop method. ये Millikan ने propose किया था इस method के को इस्तेमाल करते हुए हम electrons की जो है E over M, mass to charge या charge to mass, M over E या E over M आप जो है वो find out कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आगे हमारे experiments में और electron के mass और charges वगैरह को find out करने के लिए। तो उसके बाद जो हमारा topic है वो Millikan's oil drop method से related है। ये तो हो गया constituents of atom, number 1 part जो हमारे इस chapter का था। second पे फिर हम चले जाएंगे उसके structure की तरफ कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, वो किस तरह का मौजूद होता है। उसको अगर आप रिकॉल करें अपनी मैट्रिक की क्लासेस में तो सबसे पहले एक मॉडल आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
अब ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये क्या कहता है, इसकी क्या डिटेल है, इसने क्या चीज़ें प्रपोज की और क्या सही था क्या गलत था, इसमें हम ये स्टडी करेंगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और दूसरा मॉडल अगर आपको याद हो तो दैट वाज प्रपोज बाय बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर वो एनर्जी की इस्तेमाल को एटम के अंदर एक्सप्लेन करता था कि किस तरह एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो एनर्जी में चेंज कैसी कैसी आती है। तो रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल आया था दैट वाज बोहर एटॉमिक मॉडल, ये भी आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको इंतहाई डिटेल में और खोल के जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर में दो चीज़ें जो उनसी हमने देखनी है वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उससे रिलेटेड थ्योरीज, और फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल उसके रिलेटेड डेरिवेशंस, और फिर एंड पे हम देखेंगे कि बोहर के मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स क्या थे। इसकी डेरिवेशन एक आएगी हमारे पास लंबी सारी एनर्जी की, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट, और फिर उसके बाद हम इसके डिफेक्ट्स देखेंगे कि किस बिना पे या कौन सी बातें इसमें थी जो उनसी वो गलत थी। फिर स्ट्रक्चर ही के अंदर एक और टॉपिक जो है वो होगा स्पेक्ट्रम का, कि एटम जो है किस तरह का स्पेक्ट्रम जो उनसा है वो शो करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये दो टाइप्स हैं। इसको हम जो उनसा है वो स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो है डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट स्पेक्ट्रम हमारे पास जो उनसा है वो शो करते हैं, और स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये सारी डिटेल जो उनसी है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर हम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हुए हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल को लेके चलते हुए बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम उसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो कुछ प्रपोज किया है उसकी एप्लीकेशन हम एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर डिटेल में देखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो काम करता है लेकिन हाइड्रोजन से बड़े एटम्स के लिए ये फेल हो जाता है, तो उसको डिफेक्ट्स में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो सी चीजें आती हैं। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। नंबर 3 इज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्स रेज जो सी हैं वो कब निकलती हैं किसी भी एटम से, क्योंकि हर एटम से रेज नहीं निकलती, तो रेज निकलने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है कि कौन सा एटम रेज को इमिट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो हम एक्स रेज के मुतल्लिक एक डिटेल टॉपिक और एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की बेसिकली अगर आपने अपने फिजिक्स को रिकॉल करें अपने मैट्रिक की, तो उसमें ये था कि जो मैटर होता है वो दो तरह की नेचर को शो करता है, वो एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करता है और वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है। तो जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है और उससे रिलेटेड जौन सी डेरिवेशंस और जौन से प्रिंसिपल्स और जौन से थ्योरीज हमारे पास हैं, हम उनको इस चैप्टर में एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है। ये आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक की, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये स्टडी करने के बाद फिर अब हम एटम के अंदर के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में हमें हेल्प करेगा कि किसी भी एटम के अंदर जो है आपके पास मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से या कैसे जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर
मौजूद हैं और उनका बिहेवियर क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्बिट्स का, और ऑर्बिट्स के बाद होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल्स। अगर आपको याद हो तो ऑर्बिट्स जो उनसे हैं बाहर वाले शेल होते हैं KLMN, और ऑर्बिटल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं SP, D और F। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़े से लेवल पे स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ हम फोकस करेंगे वो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होगा कि ऑर्बिटल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिलअप होते हैं। फिर जो आगे चीज़ इम्पोर्टेंट है ऑर्बिटल ही के कॉन्सेप्ट के अंदर, वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। ये आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, आपने शायद नाम तो ज़रूर सुना होगा क्वांटम नंबर्स का, लेकिन यहाँ पर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड पे हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि M होता है। एंड लास्ट पे आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से डोनेट करते हैं। ये NLMS, ये क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को बताता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कैसे बिहेव करेगा। स्पिन क्वांटम नंबर उसका हमें स्पिन बताएगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है या कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए नई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। तो ये इस चैप्टर में के एंड पे जो है, हम ये चार चीज़ें स्टडी करने के बाद फिर हम ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पी और डी और एफ, ये एस पी डी एफ जिनसे चार हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर उनका किस तरीके का होता है, किसी का लोब इस तरह का लोब नुमा होता है, कोई सर्कुलर होते हैं, तो वो डिटेल जो उनसी है हम उनके स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल में जाएंगे। और आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने स्टडी करना होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि इलेक्ट्रॉन जब आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको मैंने एक ए एटम के अंदर अरेंज करवाना है, तो वो ऐसे नहीं होगा कि अपनी मर्जी से जिसका जिधर दिल करेगा वो चले जाएंगे। उसके लिए हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं किसी भी एटम के अंदर अरेंज होने में। वो प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के बाद हमें ये तरीका पता लग जाएगा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जो उनसे हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। तो लिहाजा उन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि अपने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको स्टडी कर सकें और उसको खुद से कर सकें। इस रूल्स पढ़ने के बाद आपको अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पास एक एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 79 है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद इस पोजीशन में होंगे कि आप किसी भी एटम के, किसी भी एटॉमिक नंबर के एटम को इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेट कर सकें। तो ये था हमारा चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आपने इसमें एक आइडिया ले लिया कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो स्टडी करनी है। आपको तमाम टॉपिक से पता अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि ये चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर पर अपना ज़्यादा ध्यान देंगे और ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फर्दर केमिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, हमने इंट्रोडक्शन लिया फर्स्ट इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट टाइम फिर हम टॉपिक वाइज इसको नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे।